तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज चलो बस के ऊपर बनाएंगे अपन। तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट है इंदौर का, पिछले 2 सालों में इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। मतलब ये बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट हो गया है स्टूडेंट्स के लिए भी और जिनका बजट में काम होता है, और ये पूरा इंदौर में। तो आपको कहीं भी जाने में दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी साइड जा सकते हो। आई बस में क्या था कि वो आई बस में आपको एक फिक्स रूट रहता है बस में नहीं है, और अपन उसी से जाएंगे। तो अभी वो आ चुकी बस, राजीव गांधी आ गई है। तो सबसे पहले तुम लोग मुझे 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ, तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा एक प्रॉपर वीडियो। बट पहले 1K सब्सक्राइबर में जाने दो, फिर बताऊंगा मैं। और बहुत लोग मुझे इंस्टा पर DM कर रहे हैं, जॉब जॉब जॉब। भाई मैं जॉब नहीं देता हूँ, मैं जॉब खुद कर रहा हूँ यार, तो समझो यार। तो जॉब के बारे में ना पूछो, उसको गूगल वगैरह लिंक्डइन पर सर्च करो। तो ये है रोबोट स्क्वायर, और यहाँ से मुझे अभी 2 किलोमीटर चलना है। तुम लोगों की वजह से भी चलो बस बोल रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो बना दूँ इसकी। ये जो मैं जिस रोड से आया हूँ उसको रिंग रोड बोलते हैं, उस पर सारी लोकल बसेस चलती हैं, और जो आई बस का रूट है उस पर लोकल बसेस नहीं चलती हैं। ठीक है, तो अगर आपको उस रूट पर जाना है AB विजयनगर साइड, तो वो आई बस का रूट होता है, एंड देन उसको छोड़ के सारी लोकल बसेस पूरे इंदौर में चलती हैं। तो ये जो रोड है ये कनेक्ट कर रहा है मुझे MR9 के लिए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और आज भी अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट जो आपने अभी पीछे कल देखी थी, एंड अब मैं जाऊंगा ई बस, जो ऐसे ही लोकल ट्रांसपोर्ट है और फुल AC है, आई बस जैसी है, बट वो लोकल रूट्स पे चलती है। तो उसमें भी आपका पास चलता है, और मैंने पास डाल दिया है अभी, वो सम उसमें गया है, पेंडिंग में है अभी, मतलब उसका वो होगा रिव्यू, और देन उसके बाद वो जारी करेंगे जो भी है उसका। तो फिर उसको पेमेंट करनी होती है। तो अभी ठीक है, अभी बस लेते हैं यहाँ से टावर चौराहे के लिए। गलती ये हो गई कि यार वो पास मैंने आज डाला, मुझे कल डालना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देखते हैं हो जाएगा, नहीं तो पैसे दे देंगे। तो मैंने अभी जब से 2 बस बदल ली हैं, और ये तीसरी है यहाँ पे आएगी, वो ई बस होगी। अभी उसको 10 मिनट है आने में, जब तक मैं बता देता हूँ कि एक ई बस होती है, एक आई बस होती है, एक चलो बस होती है। तो पास सिर्फ ई बस और चलो बस में चलता है, ना कि आई बस में। फिलहाल तो मेरा एक पोपट हो गया कि जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, एंड और दूसरी बार रिकॉर्ड करते करते मैं आगे आ गया, तो स्टेशन पीछे ही रह गया बस स्टॉप। तो अब मैं वापस चल के जा रहा हूँ। तो बस का कुछ ऐसा सीन है कि उसमें आपको जो बस पास आएगा वो आएगा साउंड वाला, ठीक है, पहले आता था स्कैन वाला, अब आएगा साउंड वाला। तो वो साउंड उसमें जनरेट होता है, और वो अपने टिकट वाली मशीन लेते हैं, उसके पास रखते हैं, तो उससे वो टिकट जनरेट कर देता है। तो 200 रुपये में तो अपना कहीं भी घूम लो, एंड देन अब मैं E1 लूँगा वहाँ पर जाने के लिए, E4 कलानी नगर। मेरे तो ऐसे पोपट हुए ना आज, उतने थोड़े चक्कर में ये वाली बस निकल गई E4। मैं यहाँ खड़ा था तो एक और बस निकल गई E3। तो ऐसे लगे है ना, तो वैसे क्या होता है, क्या है, जब 10 मिनट इंतजार ही करना है तो सिनेमा टिक देख लो। काम जो होना था वो हो गया, मेडिसिन वगैरह ले ली। अब तो आपको पता ही चल गया होगा मेरे इस एक्सपीरियंस से जो मैंने दिखाया है कि इंदौर पूरा कनेक्टेड है, ई बस आई बस लोकल बस, और पूरे ट्रांसपोर्ट में बहुत आगे है। तो अगर आपको कहीं भी जाना है तो इंदौर में आप जा सकते हो, बस आपको अपना उस स्टेशन का नाम डालना है, उस चलो ऐप पर आपको सारी बसेस के बारे में बता देगा, तो आप कम पैसे में अच्छी जगह पहुँच सकते हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंदौर के 10 में से दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि बसेस चेंज ज़्यादा करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो बसेस को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है। एंड बस बाकी तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, और मैं आसानी से घूम सकता हूँ पूरे इंदौर। अब एक चीज़ और आ गई है अभी कि आपने पूरा मतलब एक दिन का 1 डे टिकट होती है चलो ऐप की, आप पूरे कहीं भी इंदौर में पूरा इंदौर दिन भर घूम सकते हो। 30 रुपये का 1 डे टिकट लेना है बस, और ख़त्म। रोड रेज से रहते हैं, रोड रेज स्कूटी वाले ने, बाइक वाले हमारा साइड से। बच्चों को दोगे स्कूटी तो यही होगा ना,
इसका लाइसेंस वगैरह होगा नहीं, बच्चा है अभी। तो आपको सबसे पहले चलो ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप वो डाउनलोड करेंगे और उस पर जाके बस टिकट पर जाके बस पासेस पे क्लिक कीजिए। 30 डेज़ का स्टूडेंट का प्लान ले लीजिए आप, एंड देन उस पर क्लिक करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी देनी होती है, जैसे पूरा नेम वगैरह एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आपको वो पूरा फिल करना है उसमें। एंड देन आपने एक फ़ोटोग्राफ अच्छी सी लगा देना है, एंड देन स्टूडेंट आइडेंटिटी प्रूफ, वो आपको आई कार्ड होता है जो कॉलेज का वो लगेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो वो आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। एंड देन आपको उसके बाद वेरिफिकेशन लेटर जो कि कॉलेज से मिलता है, तो वो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा एंड उनको बोलना पड़ेगा कि बस पास के लिए वेरिफिकेशन लेटर चाहिए, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको 1 या 2 दिन के अंदर आपको वेरिफिकेशन लेटर मिल जाएगा, तो आपको वो यहाँ पे उसकी फ़ोटो डालनी होती है, तो वो आप उसमें डाल सकते हो। एंड देन आई कार्ड हो गया अपना, एंड उसके बाद हो गया अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपको फ्रंट साइड की फ़ोटो डालनी होती है, एंड वो डालने के बाद आपको सबमिट करना होता है उसको। एंड उसके लिए तुरंत पे नहीं होता है, 15 मिनट का टाइम लेता है वो उसको रिव्यू करने के लिए कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं इस वजह से। एंड देन उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर या यूजली 2 to 3 आवर्स के अंदर ये कंफर्म हो जाता है, आपका पास बन जाता है। तो बस ऐसे आपका पास बन जाएगा और 200 रुपये में पूरे इंदौर में पूरे महीने आप घूम सकते हो, तो वाइक वाइक की आपको ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि बड़े मेहनत से बनी है वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं फिर, और कल मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, तो अगली वीडियो अपनी फुल सिनेमैटिक आने वाली है। बाय बाय।